नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ मूंग दाल की बहुत ही स्वादिष्ट हलवा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इस हलवा को बनाना बहुत ही आसान है, आसान विधि से हमने बनाकर तैयार किया है। एक बार आप इस हलवा की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाकर तैयार की हूँ। हलवा बनाने के लिए 1 कप हमने यहाँ पर मूंग दाल ली है। दाल बिना छिलके वाली लेनी है। अब दाल को एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए और इसे 3 से 4 बार पानी डालकर हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए, ताकि दाल के ऊपर जो भी पाउडर वगैरह लगा हो वो सारे अच्छे से धुल जाए। तो मैं धोकर आपको दिखाती हूँ। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है और इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। सारा पानी छान लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद एक कुकर में सभी दाल को डाल देना है, तो पानी से छानते हुए डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस कप से हमने मूंग दाल लिया था 1 कप, उसी कप से 3 कप इसमें दूध डालना है। अगर आप ज़्यादा दाल ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको दूध डालना होगा। अब इसमें हमने आधा छोटा चम्मच घी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद कीजिए और गैस पर रखकर मीडियम आंच पर इसे 3 सीटी आने दीजिए। 3 सीटी में दाल बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम तेज नहीं करना है। देखिए, 3 सीटी आ गया है। इतनी जल्दी जल्दी सीटी नहीं आया था। हमने बीच में वीडियो को कट करके आपको दिखाया है। 3 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद करके और कुकर को साइड में रख दीजिएगा और खुद से भाप ठंडा होने दीजिए। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इन सभी को बारीक बारीक काट लेना है, तो आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। और इधर कुकर का भी देखिए, सारा भाप खुद से निकल गया है। तब इसे आपको खोलना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया से दाल हमारा पक चुका है। और जितना भी दूध डाला था वो सारा दाल ने सोख लिया है। तो हमें दाल को पकाना नहीं है, तो देखिए इस तरह से बिल्कुल गलाना है। अगर आपके दाल खड़े खड़े हैं तो आप 1 सीटी और लगाकर और इस तरह से कर सकते हैं। दूध सूख चुका है तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक इस तरह का मैशर लीजिए और गरम गरम में ही दाल को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बिल्कुल पेस्ट जैसे इसे हमें बना लेना है घोलते हुए। लगभग 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दाल का हमें पेस्ट तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं, ना तो दाल को हमने भिंगोया था और ना ही मिक्सी में पीसा था, फिर भी कितना बढ़िया पेस्ट जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम भून लेते हैं, हलवा बना लेते हैं। गैस पर एक पैन को रखकर हल्का गर्म कर ली हूँ और इसमें हमें डालना है घी। घी में बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए जिस कप से हमने दाल लिया था उसी कप से 1/2 कप घी का इस्तेमाल इस हलवा को बनाने के लिए हमें करना है। तो 1/2 कप से 2-3 चम्मच कम हमने अभी इसमें डाला है, बाकी का बाद में इस्तेमाल करेंगे। घी जब गर्म हो गया तो इसमें जो हमने काजू और बादाम को काट के रखे थे उसे धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मत भूनिएगा, देखिए इसी तरह से हल्का सा भूनिएगा। ज्यादा भूनने के बाद टेस्ट खराब हो जाता है ड्राई फ्रूट्स का। अब हम घी में डाल रहे हैं 2 चम्मच बेसन। तो आप अगर 1 कप दाल ले रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच डालिए छोटा चम्मच से, और अगर आप 2 कप ले रहे हैं दाल तो 4 चम्मच आपको बेसन डालना होगा। धीमी आंच पर लगभग इस बेसन को 3 से 4 मिनट भूनना होगा। कुछ देर बाद देखिए, जब बेसन का कलर इस तरह से चेंज हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब हमने जो दाल का पेस्ट बनाकर तैयार किया है वो सारे दाल को इसमें डाल देना है। कुकर में जितने भी लगे हैं सभी को अच्छे से पोंछ कर डाल दीजिएगा और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो हलवा को बनाने में लगभग 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। हलवा को आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाइएगा, तेज आंच पर मत बनाइएगा। और देखिए लगभग हमने 10 मिनट इसे भूनते हुए हो गया है और ये ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका भून ही नहीं रहा है।
पर इसे आप आराम आराम से इस तरह से चलाते हुए भूनते रहिएगा। लगभग 12 से 15 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और आप देख सकते हैं इसने पैन छोड़ दिया है, पर ये अभी भी अच्छे से नहीं भुना है। लगभग 20 से 22 मिनट हो गया है भूनते हुए और देखिए जब ये चिपकना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि ये भून चुका है। तो जब इस तरह से देखिए अलग अलग हो जाए तो इसमें आपको डालना है मलाई। हमने इसमें 2 लीटर दूध को उबालने के बाद जो ऊपर मलाई आती है बस वही लिया है। आप इसमें चाहे तो खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसमें डाल दिया है चीनी, तो जितना डाल लिया है उससे हमने थोड़ा सा कम इसमें चीनी डाला है, तो ये ठीक ठाक मीठा बनकर तैयार हुआ था। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरा 1 कप भर के इसमें चीनी डालिएगा। चीनी और मलाई को दाल के पेस्ट के साथ अच्छे से मिलाइए और कुछ देर इसे और भूनना है। तो चीनी डालने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट और भूना था हमने। इसके बाद इसमें डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स और आधा छोटा चम्मच हमने इलायची का पाउडर डाल दिया है। 5 से 6 इलायची का दाना लेकर और आधा चम्मच चीनी के साथ डालकर अच्छे से पीस लीजिएगा। बढ़िया सा पाउडर तैयार हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स और इलायची के पाउडर को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हलवा का टेस्ट और बढ़ाने के लिए और हलवा को अच्छा दिखाने के लिए हम ऊपर से इसमें घी डालेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालना है और अच्छे से मिलाते जाना है। अगर आपको हलवा को 4 से 5 दिनों के लिए रखना है तभी ऊपर से इस तरह से घी डालिए और इसे कुछ देर भूनते रहिए। फिर ये हलवा काफी दिन तक खराब नहीं होता है। आप फ्रिज के बाहर रखकर इसे 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने ऊपर से इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला था। अगर आपको हलवा को तुरंत ही खाना है तो बस इसमें 1/2 से 1 चम्मच घी डालिए और अच्छे से मिलाइए और तुरंत बाद ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया है। इस मूंग दाल के हलवे को आप गरम गरम खाए, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था खाने में। तो एक बार आप हमारे इस तरीके से इस मूंग दाल के हलवा को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही ज्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। शादी पार्टियों में जिस तरह से मूंग दाल का हलवा बनता है बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो आप एक बार हमारे इस तरीके से इस मूंग दाल के हलवे को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको बनाने के बाद कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज की हमारी वीडियो और रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।